स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे और मैं हूँ ईशा भान कैसे हैं आप सब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हेलो जी कैसे हैं आप मेरा नाम है ईशा भान मैं मेकअप लाइफ स्टाइल और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ इस YouTube चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेस्ट प्रोटीन पाउडर के बारे में विच इज प्लांट बेस्ड आई लव इट एंड मुझे आप लोगों से शेयर तो करना ही था एंड 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 लॉन्ग टाइम नो सी आई नो मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था जो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे आज की वीडियो में की तो पूरी वीडियो इसी बारे में हो जाएगी सो विदाउट फॉर द लेट्स टाइप स्ट्रेट इन टू वीडियो बारे में मैं बात करने वाली हूँ दैट इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड फास्ट एंड अप एंड दिस वीडियो इज इन पार्टनरशिप विद फास्ट एंड अप तो उन्होंने ये प्रोटीन जो है मुझे भेजा था लॉन्ग टाइम बैक तो मैंने अपने पुराने चैनल पे इसके बारे में बताया था ये प्रोटीन मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इसका ये दूसरा डब्बा लिया है आई केड यू नॉट मेरा दूसरा डब्बा भी खत्म होने वाला है लेट मी जस्ट शो यू इफ यू कैन सी मतलब ऑलमोस्ट डब्बा एम टी होने के वर्ष पे इतना सा बचा है बस मेरा कि मुझे इतना ज्यादा पसंद है ये एंड आई एम नॉट अ जिम पर्सन एट ऑल ये मत सोचना कि मैं जिम जाती हूँ जिम से आके प्रोटीन शेक बनाती हूँ वो सब करती हूँ नो नॉट एट ऑल तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है भैया जो सिर्फ जिम जाते हैं प्रोटीन शेक चाहिए नहीं हमारी डेली रिक्वायरमेंट जो है प्रोटीन की वो हम कभी भी मीट नहीं कर पाते स्पेशली वी वमेन लेडीज गर्ल्स हम लोग नहीं मीट कर पाते पहली चीज़ हम बहुत पिकी होते हैं खाने में मैं तो बहुत ज़्यादा पिकी हूँ ग्रीन वेजिटेबल्स मैं नहीं खाऊंगी दालें मैं नहीं खाऊँगी चिकन में भी मुझे एक सर्टन फॉर्म ऑफ चिकन पसंद है मैं हर टाइप का चिकन नहीं खाती ए, मीट मैं नहीं खाती एग्स से मुझे आजकल स्मेल आने लगी है सो so, लाइक like, बहुत ज़्यादा दिक्कत है मेरी प्रोटीन इंटेक तो मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर थी और आपको भी पता होगा हमारे लाइफ में हमारी बॉडी में प्रोटीन की कितनी ज़्यादा वैल्यू है यार कितनी ज़्यादा वैल्यू है तो जब प्रोटीन हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता प्रॉपर तो हमें कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट करती है तो मैं आपको एक रिसेंट एग्जाम्पल देती हूँ अभी मेरी मम्मा बीमार चल रहे हैं थोड़े टाइम से तो उनके काफ़ी सारे टेस्ट हुए काफ़ी कुछ हुआ तो उसमें एक चीज़ ऑल्सो दैट केम स्किन की हड्डियाँ बहुत वीक है इनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी है एंड एन लाइक मैं तो कोई नखरा भी नहीं करती मैं सब कुछ खाती हूँ मैंने सब कुछ खाने से नहीं होता जो हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट है जो डेली प्रोटीन इनटेक है वो हम नहीं ले पाते सो वॉट वी कैन हैव देन इज दिस बेब सो so, ये जो प्रोटीन है ये प्लांट प्रोटीन है एंड दिस इज स्पेशली फॉर वुमेन इट इज़ इन रिचड विद सुपर फूड एंड सुपर हर्ब्स इट इज मेड विथ वीगन कोकोनट अश्वगंधा आमला पामोग्रेनेट टर्मरिक एंड तुलसी और ये है स्मूथ मैंगो फ्लेवर में मुझे मैंगो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है इनका चॉकलेट फ्लेवर भी आता है बट आई मोस्टली टेन टू गो टू मैंगो बट क्योंकि विंटर्स चल रही है और मैंगो मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है तो मैंने बोला इसी से अपनी मैंगो की क्रेविंग्स हम अपनी पूरी करते हैं और इसमें कोई भी एडिड शुगर नहीं है मतलब एडिड स्वीटनर कुछ भी नहीं डाला है और मैं इसे कैसे कंज्यूम करती हूँ सुबह ब्रेकफास्ट में मोस्टली आई हैव माई ओट्स मुझे ओट्स मतलब मेरा एक टिपिकल ब्रेकफास्ट बन चुका है अगर रोज़ सुबह ओट्स खाने बिकॉज ऑफिस होता है लेट उठती हूँ बिल्कुल टाइम नहीं होता कुछ और एक्सपेरिमेंटल कुकिंग करने के लिए हेयर एंड नया कभी कभी आई हैव एग एंड ब्रेड लाइक एग सैंडविच बना के बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव माई ओट्स तो वट आई डू जब मैं ओट्स बनाती हूँ उसमें इसके दो स्कूप विच इज रिकमेंडेड के दो चम्मच मतलब इसके अंदर ही इसका स्कूप होता है उससे दो स्कूप डालने हैं तो मैं अपने ओट्स जब बनाती हूँ उसमें वो उसके दो चम्मच डाल देती हूँ मिक्स कर देती हूँ एक तो वो इतना टेस्टी बन जाता है क्योंकि मैं उसको चीनी वगैरह तो कुछ डालती नहीं हूँ बट इसी से वो फ्लेवर ऐड हो जाता है और वो मैंगो का रिच फ्लेवर हो मतलब ऑनेस्टली मुझे ओट्स बिल्कुल पसंद नहीं थे और इसको खाने के बाद आई एम इन लव विद माई ओट्स आई लुक फॉरवर्ड टू माई ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग के हाँ ठीक है ओट्स खाने को मिलेगा और वो मेरा वेट भी मैनेज करने में हेल्प कर रहा है यू कैन क्लियरली सी आई एम ग्रोइंग दिस 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 ऐसे मोटिव होती जा रही हूँ मैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स बेनिफिट्स के इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं सबसे पहले तो हमारे वेट को मैनेज करने में ये हेल्प करता है हमारी डेली प्रोटीन इनटेक को मैनेज करने में हेल्प करता है हमारी फिटनेस और स्ट्रेंथ को मैनेज करने में हेल्प करता है हमारी स्किन को हेल्प करता है हमारे स्ट्रेस और इम्यूनिटी को भी मेनटेन करने में ये हेल्प करता है विच इज़ अमेजिंग लाइक सोने पर सुहागा वाली सिचुएशन है गाइज इतने सारे बेनिफिट्स हैं इसके मतलब मैं एक्सप्लेन करने बैठी ना तो इट विल टेक मी फुल होल डे मतलब रात हो जाएगी आज बातें करते करते हम दोनों को बाय द वे इससे ब्रेक लेते हुए इफ यू आर रियली लाइकिंग माय लुक आई लव इट लाइक आई डिड ग्राफिक आईलाइनर मैंने पहली बार ग्राफिक आईलाइनर किया एंड आई लाइक इट और इसका ट्यूटोरियल मेरे इंस्टाग्राम पे जल्दी आएगा तो इंस्टाग्राम आई डी पर है जाके इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें अगर आप इंस्टाग्राम पर पहले से फॉलो नहीं करते हैं कमिंग बैक टू दिस प्रोटीन सो so, यहाँ पर ना इसका पूरा जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसमें से कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसमें जो हमारा फैट कंपोनेंट है टू स्कूप्स में दैट इज जीरो पॉइंट फोर नाइन ग्राम्स विच इज़ वेरी लेस ट्रस्ट मी विच इज़ वेरी लेस कभी भी आप कोई भी प्रोटीन लेते हो ना तो वो उसको मतलब जब भी वो फ्लेवर्ड प्रोटीन होता है स्पेशली तो उसमें ना वो कोई ना कोई स्वीटनर के लिए चाहे वो स्टीविया है चाहे वो जैगरी है चाहे वो कोकोनट शुगर है मतलब कुछ ना कुछ वो ऐड करते हैं विथ एक्स्ट्रा एडेड स्वीटनेस के लिए कभी भी आप कोई भी प्रोटीन हो ना तो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा प्लस इन्होंने ना यहाँ पे अपना क्यू कोड भी दिया है जिसको आप स्कैन करके पूरा इसके बारे में ना इन डेप्थ डिटेल निकाल सकते हो विच इज रियली अमेजिंग अगेन प्रोटीन से ना एक मतलब आई ट्राइड वन ब्रांड विच आई डोंट वॉन्ट टू नेम बट मैंने उसका ट्राई किया था और उसके बाद ना मेरे को स्टमक इश्यूज हो गए थे बहुत ज्यादा सीवियर बिकॉज कई लोगों को ना ये डाइजेस्ट नहीं होता प्रोटीन प्रोटीन जो ये वाला फॉर्म होता है दैट इज अ कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन तो वो ना कई बार डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है तो दैट वॉज एन issue फॉर मी कि मैं प्रोटीन ले रही हूँ बट क्या मुझे इससे फिर से स्टमक इश्यूज होंगे मतलब तो मेरे को डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वॉज इस प्रोटीन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिससे आपको स्टमक में कोई भी दिक्कत नहीं होती वो आपको ईजिली बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है और यू विल फॉल इन लव लव विद इट एंड अनदर प्रोडक्ट from दिस ब्रांड इज दिस इम्यूनिटी शील्ड तो ये जो है ये डिजोल्वेबल टैबलेट्स हैं एल शो यू वन ये ऐसे लगती है तो ये बस आपने अपने पानी का एक गिलास लिया उसमें ये डाली और एकदम से फिजी फिजी सी जैसी नहीं होती ड्रिंक मतलब no जिसको पसंद है भैया पसंद है बट मुझसे हल्दी वाला दूध बिल्कुल नहीं पिया जाता मतलब मैं तो देख भी नहीं पाती हल्दी वाले दूध को आई एम लाइक मैं नहीं पी सकती मम्मा सॉरी और मेरी मम्मा इतनी चला के ना इतनी चला के ना कसम से वो क्या करती है क्योंकि पापा को मैं किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोलती तो मम्मा क्या करती है दूध में हल्दी शल्दी डाल के पूरा बेटा इसमें तो बोलविटा भी पड़ा है चीनी भी पड़ी है तू पी ले और वो पापा को दे देती है और पापा के ना इसे खड़ा जाता हैं पी और मुझे पीना ही पड़ता है बट जब से मैंने ये लिया ना तो और मम्मा को मैंने जब इसके बेनिफिट्स बताए शी वॉज लाइक शुक्र मेरा रोज़ का स्यापा खत्म हुआ भैया अब तो तू ये पी लेगी और ये इतना टेस्टी लगता है ना आपको कुछ नहीं करना बस एक पानी का गिलास है उसमें एक ये टेबलेट डाली और आपकी फिजी ड्रिंक तैयार और फटाफट से पी लो टेस्ट का टेस्ट इम्यूनिटी की इम्यूनिटी मिल जाती है और ये जो है ये करक्यूमिन से बना हुआ है अब आप लोगों को तो पता है हमारी दादी नानी और हमारे घर की सारी बड़े लोग जो है वो बोलते हैं कि हल्दी के कितने बेनिफिट्स हैं हमारी जिंदगी में टर्मरिक इज एन असेंशली सब चीज़ का इलाज है कहीं लग गया तो हल्दी डाल लो वीकनेस फील हो रही है तो हल्दी वाला दूध पी लो कुछ भी हो रहा है तो हल्दी ले लो तो हल्दी इज़ असेंशियली हमारे लिए मतलब एक ऐसी जड़ी बूटी जो हर चीज़ में काम आती है और करक्यूमिन जो है वो हल्दी का वो पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी होती है और ये टेबलेट्स जो है वो करक्यूमिन की बनी हुई है विच इज़ अमेजिंग लाइक आपको डायरेक्ट वो इम्यूनिटी की जो ज़रूरत है वो इससे मिल रही है एंड लुकिंग एट द करेंट सनारी जो पिछले दो साल से सिचुएशन रही है कोविड में हम लोगों को अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस मतलब ऑनेस्टली लास्ट ईयर मुझे कोरोना हुआ था आई फेल्ट दैट पेन वो वीकनेस वो हर चीज़ ना मुझे महसूस हुई है जब मैं अपने कमरे में बंद थी और मुझे उठ के लिटरली सामने टेबल तक जाना होता था, था और मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी ना तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार वीक इम्यूनिटी होना कितना मतलब कितनी दिक्कत भरी चीज़ है तो इसीलिए तब से आई हैव बीन वेरी रेगुलर विद माई हेल्थ लाइक आई टेक माई वाइटमिन्स आई टेक माई प्रोटीन्स मैं हर चीज के लिए बहुत पर्टिकुलर हो हुई हूँ एंड दिस बेबी इज लाइक माई फिफ्थ सिक्स डिब्बी बिकॉज एक बॉक्स के अंदर इट हैज आई डोंट रिमेंबर बट आई चेक इट फॉर यू गाइज ट्वेंटी फाइव देयर आर ट्वेंटी फाइव टेबलेट्स इन इट एंड अगेन इट डेन एनी शुगर यहाँ पे प्रॉपरलीशन किया हुआ है इसमें भी आपको क्यू आर कोड दिया हुआ है जिससे आप इसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं एंड दिस इज अगेन इन द मैंगो फ्लेवर बिकॉज यू नो नाउ माई लव फॉर मैंगो एंड इट ऑल्सो हैज जिंजर जिंक एंड ब्लैक पेपर इन इट विच इज अमेजिंग लाइक अमेजिंग बट हाँ ये जो है इसमें थोड़ा सा स्टीविया पड़ा हुआ है टू स्वीट एंड इट अ लिटल वेट बिकॉज ब्लैक पेपर जिंजर और टर्मरिक ये सुन के सुनके ही ना ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है बट जो वो हल्का सा स्टीविया का फ्लेवर है ना उससे ये बहुत ज़्यादा यमी सी लगती है मतलब ऑलमोस्ट ये आपको लगता है माजा बट इन अ कोल्ड ड्रिंक वर्जन आप पी रहे हो इट फील्स लाइक दैट सो दैट इज द ओनली रीजन आई लव इट आई लव इट लव इट एन एंड एन सबसे अमेजिंग चीज तो मैंने अभी तक आप लोगों को बताई नहीं आई हैव अपॉन कोड विद फास्ट एंड डार्प सो दैट कूपन कोड आई लिंक राइट है इट इज एफ यू पी ईशा बी टेन जिससे आपको आपको इनकी वेबसाइट पे मिलेगा एक एडिशनल डिस्काउंट जो कि ऑलरेडी जो मतलब सपोज आप इनकी वेबसाइट पे जा रहे हो मोस्टली हमेशा फोर्टी फिफ्टी परसेंट ऑफ चलता ही है उस फोर्टी फिफ्टी परसेंट पे मेरा कोड लगाने पे आपको एडिशनल फाइव परसेंट ऑफ मिलेगा विच इज लाइक अमेजिंग सोने पे सुहागा टाइप सिचुएशन है ये तो गो अहेड एंड परचेज योर प्रोटीन नाव एंड सी रियली हेल्दी जर्नी विद फास्ट एंड आप मैं सारे प्रोडक्ट्स मतलब इन दोनों प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी और इनका वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन केस यू आर इंटरेस्टेड फॉर वे प्रोटीन्स और एनी अदर हेल्थ सप्लीमेंट्स यू कैन जस्ट गो अहेड चेक माई कोड आउट एंड गो एंड मेक यूर परचेज एंड मेक अ स्टेप टू वर्ड्स हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय आई लव यू